हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के दुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। रात लीजिए और ऐसे नहीं, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। भगवान के भजनों में अगर आपका मन ना लगे तो सबसे पहले ताली बजाना शुरू कर लो, फिर अपने आप मन लगने लग जाता है। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम लीजिए। और भाव है, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, प्रभु चरणों में अश्रु बिंदु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। काली सेवा करते रहे, शिरार है। करने से पहले काम तू सौ बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू सौ बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू सौ बार दिल से पूछ। कोई भी काम करते हैं
अपने दिल से एक बार नहीं 100 बार समझना चाहिए कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, क्योंकि कहीं ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे किसी का दिल दुख जाए। यही तो लिखा है भजन में। हरगिज ना कभी दिल से, हरगिज ना कभी दिल से, कुछ भाद कीजिए बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। राधे दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया। मीरा की भक्ति आप सभी लोग जानते हैं, जिनके पदों पर लोग पीएचडी करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन उसका रहस्य आज तक खोज रहे हैं। मीरा की ऐसी भक्ति थी। मीरा ने किया क्या था? भगवान का भजन ही तो किया था। मीरा को भगवान के मंदिर में जाते हुए तो देखा है भक्तों ने, आते हुए किसी ने नहीं देखा। ये भाव जानते हैं क्या है? संतों ने बताया कि मीरा अगर मंदिर में गई है, बाहर नहीं आई, तो मतलब भगवान के मूर्ति में ही समा गई है। और भगवान जिसको अपने में मिलाना चाहते हैं, जिसको मिला लेते हैं, सोच कर देखिए उस क्या हो सकता है। ऐसी भक्ति करना चाहिए। मीरा जी गा रही थी, किसी संगीतकार ने कहा कि गा तो रही है लेकिन राग में नहीं गा रही है। तो संतों ने, जो भावुक रसिक संत थे, बोले राग में नहीं गा रही तो क्या हुआ, लेकिन उनके भजन में, उनके गायकी में अनुराग तो है। भगवान के चरणों में अनुराग जरूरी है, राग जरूरी नहीं है। इसलिए भाव केवल होना चाहिए कि हम अनुराग में रहें, बस हमारी लाइन अनुराग वाली बनी रहनी चाहिए। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया। क्या प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला, दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला, दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा के, शुरुआत कीजिए। हर
बंदा असर पड़े। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। कहते हैं संगत का असर होता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो चले ज्ञान की बात। अगली लाइन में नहीं कहना चाहूंगा, कहने का भाव क्या है, अच्छी बातें कही जाएं। जब हम किसी सत्संगी के पास बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जय जय श्री राधे हो जाती है और वहीं से सत्संग शुरू हो जाता है। यहां भजन में लिखा है कि आप ऐसे लोगों का संगत कभी मत करिए जो भगवान का भजन ना करते हो, जो सत्संग में ना जाते हो। अब कुछ लोग तो कहते हैं ऐसे लोगों का चेहरा देखना भी पाप है। जो ईश्वर ने हमें बना करके भेजा है और हम उसी का नहीं हो रहे हैं तो हम किसी और का क्या होंगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। अगर आप केवल एक इंसान से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान कहां से पा जाएंगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान कहां से पाओगे। और खुद अपना दोष छिपाते हो, औरों को दोष लगाते हो। इंसान को धोखे में रख के भगवान से धोखा खाओगे। अगर आपने किसी इंसान को धोखा दिया है उसका बदला भगवान लेंगे। कहते हैं कि बिना जीभ की हाय से लोहा भस्म हो जाए। किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपका अपमान किया है, आपने कुछ नहीं कहा उसको और आप अपनी जगह पर सही हैं, सत्य पर हैं और चुप हो गए, वो जो हाय है ना उससे लोहा तक भस्म हो जाता है। तो सोचिए इंसान की क्या बात है, बिना जीभ की हाय से लोहा भस्म हो जाए। अगर आपने चुप रह लिया तो भगवान बदला लेते हैं। तो मिलना किससे हो, जो भगवान के भक्त हो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, जो अच्छी बातें करें, जो संस्कार की बातें करें। ऐसे लोगों से मत मिलिए जिनसे मिलने से आपका संस्कार भी चला जाए और गंदा असर आ जाए, ठीक है। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, ओ मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज ना ऐसे लोगों से, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश बिन्दा लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि आजकल बिना फायदे का कोई कुछ करना नहीं चाहता। ताली बजाने का बड़ा प्यारा फायदा है, मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि ताली बजाने से हाथ की रेखाएं जो गलत वाली बनी हैं वो मिट जाती हैं और अच्छी रेखाएं बन जाती हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा किया ही नहीं तो हमें कहां से पता चलेगा। आज इस वाले कीर्तन में आप ताली बजा के देखिए, जो गलत रेखाएं हैं बदल जाएंगी, मिट जाएंगी।
और अच्छी अच्छी रेखाएं भगवान बना देंगे कि हमारी कीर्तन में ताली बजाते हैं। और एक फायदा और है, कई बार कहते हैं ना कि जरा हाथ उठा के ताली बजाइए, कहते हैं हाथ उठा करके ताली बजाने का जो फायदा है वो क्या है जानते हैं? हाथ उठा करके ताली बजाने से हमारे पाप निकल जाते हैं। तो किसी ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, ये पाप निकल तो जाते हैं पर जाते कहाँ हैं? तो बोले जो कीर्तन में ऐसे हाथ बांधे बैठे हैं उन्हीं के अंदर घुस जाते हैं। अब आप बताइए कि हाथ उठाना चाहेंगे कि पड़ोसी का पाप उठाना चाहेंगे? जय, बड़े समझदार हैं आप लोग सच में। दोनों हाथ उठा के भाव से आप लोग भी गाइए, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि नाम में जाओ बंदिश रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ऐसे नहीं, भाव से राधा रमण जय जय राधा रमण, 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 जय राधा।